तारीख 16 मई साल 2023 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान, लेकर क्राइम की दुनिया की एक हैरतअंगेज मगर सच्ची कहानी। कहानी दुनिया की उन 22 बदकिस्मत महिलाओं और लड़कियों की जो 47 साल से अब तक मरने के बाद भी नहीं तर सकी हैं। कहानी कत्ल की जा चुकी उन 22 बदकिस्मत महिलाओं की जिनकी अब तक 47 साल में पहचान ही नहीं हो सकी है। दुनिया भर के देशों की जांच और खुफिया एजेंसियों के बीच पुल का काम करने वाले सबसे बड़े संगठन यानी इंटरपोल ने अब इन 22 महिलाओं की फोटो जारी करके जमाने को चौंका दिया है। इंटरपोल के इस कदम ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है कि आखिर जो महिलाएं अब से कई दशक पहले ही कत्ल की जा चुकी हैं, इंटरपोल सी बड़ी संस्था या संगठन अब आखिर उन महिलाओं की तस्वीरें क्यों आम कर रहा है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। इन महिलाओं की तस्वीरों के साथ ही इंटरपोल मुख्यालय ने उनसे जुड़ी कई निजी जानकारियां भी साझा की हैं। मसलन इन महिलाओं के कपड़ों का रंग, उनके द्वारा पहने गए जेवरात या फिर बदन पर मौजूद मिले टैटू इत्यादि। इन 22 महिलाओं की सूची दुनिया के 3 देशों ने तैयार की है। इन महिलाओं के ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के साथ लगे विज्ञापन के ऊपर लिखा है ऑपरेशन आइडेंटिफाई मी और नीचे की ओर लिखा है सीकिंग द नेम ऑफ अनआइडेंटिफाइड विक्टिम्स ऑफ मर्डर। 22 महिलाओं वाले इस विज्ञापन की तस्वीर दुनिया भर में वायरल हो चुकी है। दरअसल ये वे बदकिस्मत महिलाएं हैं जिन्हें काफी वक्त पहले यानी साल 1976 से लेकर साल 2019 के मध्य तक की अवधि में कत्ल किया जा चुका है। इनकी सूची जिन देशों ने तैयार की है वे हैं नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम। इनकी तस्वीरें तो हैं मगर इनके नाम पते ठिकाने दुनिया में किसी को नहीं पता है। अब इंटरपोल चाहता है कि वो यानी इंटरपोल इन मर चुकी महिलाओं की कम से कम पहचान तो करवा पाने में मददगार साबित हो सके। इन महिलाओं में से बेल्जियम पुलिस ने 7, नीदरलैंड ने 9 और बाकी 6 महिलाओं के फोटो व अन्य उपलब्ध जानकारी जर्मनी की पुलिस ने जुटाई है। इन्हीं पिक्चर में से एक ऐसी महिला की तस्वीर भी साझा की गई है जिसका शव साल 1990 में क्रिसमस वाले दिन नीदरलैंड में सड़क किनारे कंबल में लिपटा पड़ा मिला था। उसके बदन पर लाल रंग की टॉप, बारगंडी रंग की पैंट मौजूद थी। घटना के वक्त उसकी आयु 15 से 25 साल के बीच होने का अनुमान तब लगाया गया था। वो कौन थी, कहां की थी, किसने कब और क्यों कत्ल की, 33 साल बाद भी यह तमाम सवाल अभी तक इंसानी दुनिया के सामने हवा में छूल रहे हैं। बीते बुधवार से ही इंटरपोल ने इन महिलाओं की पहचान के लिए अभियान शुरू किया है। क्योंकि इन सभी 22 महिलाओं की पहचान नहीं हो सकी है, इसका मतलब हत्याओं के इन 22 मामलों की जांच भी अभी तक अधूरी ही पड़ी है। बिना इनकी पहचान हुए जांच को कानून आगे बढ़ाया जाना भी संभव नहीं है। इंटरपोल ने इन महिलाओं से संबंधित तमाम जानकारी अपनी अधिकृत वेबसाइट पर भी अपलोड की है। दुनिया के 195 देशों का साझा इंटरनेशनल पुलिस संगठन इंटरपोल अगर इन महिलाओं के इतने लंबे अरसे बाद पहचान करा पाने में कामयाब हो जाता है तो इन महिलाओं को न्याय मिलने की संभावना तो बढ़ेगी ही, इनके कातिलों को भी गिरफ्तार किया जा सकेगा, जो कि इंटरपोल के लिए भी उसकी स्थापना से लेकर अब तक के कार्यकाल में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इन तस्वीरों में एक तस्वीर अब से करीब 47 साल यानी सबसे पुरानी है, तो वहीं साल 2019 में कत्ल की गई महिला की तस्वीर को इंटरपोल इस मसले में सबसे नई यानी बाद की तस्वीर मान रहा है। इन तमाम मुद्दों पर इंटरपोल की DNA यूनिट की कोऑर्डिनेटर सुजैन हिचिन कहती हैं कि ये पीड़िताएं दो बार की पीड़ित हैं। पहले तो तब की जब इनकी हत्या करके इनकी लाशों को लावारिस हाल में फेंक दिया गया, दूसरे तब जब इनसे इनकी पहचान और कानूनन न्याय पाने का हक भी छीन लिया गया। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बेबाक बात भी तो लिखते जाइए, क्योंकि आपके कमेंट ही तो हैं पॉडकास्ट की हर कड़ी की जान, पहचान और प्रोत्साहन।